वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान माई सेल्फ रासू में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट या आउटपुट किसी भी डेटा को ले सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर अब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हम देख लेते हैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो कंप्यूटर का ये स्क्रीन होता है, इससे हम स्क्रीन को मॉनिटर भी बोलते हैं। और कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो माउस होता है, माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। कीबोर्ड में जो है 204 बटन होते हैं, जिसका शॉर्टकट कीज का मैं अलग से वीडियो आपके लिए तैयार करूँगा। कंप्यूटर जो है तीन प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक डिजिटल कंप्यूटर, नंबर दो एनालॉग, नंबर थ्री हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में हम किसी भी संख्या का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन कर सकते हैं। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, इसमें हम किसी भी मौसम की भविष्यवाणी, भौतिक परिवर्तन के बारे में इसमें जान सकते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में हम डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। मैं आपको कंप्यूटर का सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर जो है हमारे लैंग्वेज को थोड़ा भी नहीं समझता है, क्योंकि वह जो है पहले कंप्यूटर में कुछ दूसरा लैंग्वेज का प्रयोग होता था, जिसका नाम है बाइनरी नंबर। जी हाँ, बाइनरी नंबर का प्रयोग होता था। अब आप पूछेंगे कि बाइनरी नंबर क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि बाइनरी नंबर का प्रयोग पहले होता था, तो अब क्यों नहीं होता है बाइनरी नंबर का प्रयोग? क्योंकि अब के कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। ट्रांसलेटर उसे बोलते हैं जो किसी भी शब्द को ट्रांसलेट करता है, उसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है, जिससे हमारी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर तक ट्रांसलेटर द्वारा उसे ट्रांसलेट करके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके वह कंप्यूटर को बताता है, जिससे हमारी बात उस तक आसानी से पहुंच सकती है और वह उसका अच्छा सा रिजल्ट हमारे सामने देता है। इसके बाद हम आपको कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।